रहा है, मुझे पता है चैनल का रीच बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, तो सपोर्ट करना, लाइक एंड शेयर भी कर देना। स्वागत है आप सभी लोगों को मेरा आज का और एक न्यू वीडियो पर। सो आज के वीडियो पे मैं कुछ अलग सा ट्राई करने वाला हूँ, एक्सपेरिमेंट ट्राई करने वाला हूँ साइकिल पे। मैं जो आसनसोल जाके सॉकर चेंज करने वाला था वो मैं खुद ही घर पे कर रहा हूँ। लेते हैं सॉकर ठीक कर लेते हैं पहले, सॉकर चेंज। आप लोगों को साइकिल का हालत दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे चक्का खुला हुआ है। ये है मेरा जो नया सॉकर, सॉकर पड़ा हुआ है इधर, और यहाँ पे मैंने कैलिपर वगैरह सारा कुछ खोल लिया हुआ है। ये देखो, ये सामने का जो कैलिपर है सारा कुछ खोल लिया है मैंने। तो अभी जो साइकिल का जो सामने का हैंडल है उसको खोलना है और सॉकर निकालना है, फिर से सॉकर डाल देते हैं, अभी इसको फिट कर लेते हैं, देन आप लोगों को दिखाते हैं। सो चलो। आसानी हो रहा है सारा कुछ करने में, बाकी घर पे अगर कोई ट्राई करता है वो शायद से नहीं होगा, क्योंकि भाई ग्रीस वगैरह हर कोई के घर पे नहीं होता। चक्का वगैरह फिट कंप्लीट हो चुका है, अभी देख सकते हो चक्का बिंदास घूम रहा है, सॉकर भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। बस लगाना है तो बस ये कैलिपर लग जाए तो भाई सामने का ब्रेक सही हो जाएगा, बाकी भाई साइकिल एकदम औसम है लोग। साइकिल अभी कम्प्लीटली ठीक हो चुका है, अभी यहाँ पे चेक कर सकते हो। बस ये वाला चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये इतना सा निकला हुआ है, क्योंकि सस्पेंशन का जो है ये चीज़ थोड़ा सा बड़ा हुआ था, सो इसीलिए ये यहाँ से निकला हुआ है यहाँ से, बट मैंने इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉब वगैरह मिलता है जो कि यहाँ पे ऊपर लगाया जाता है, बट वो मेरे पास नहीं। सो भाई लोग, अभी मैं जस्ट साइकिल चला के आया हूँ, सॉकर एक नंबर काम कर रहा है, और ये है पुराना सॉकर। सो अभी मैं इससे प्लस से मडगार्ड को निकालने वाला हूँ, और ये मडगार्ड फिट करने वाला हूँ नए में, और इसका जो मतलब ये काम तो करता है, देखो ये देखो, मतलब इतना ज़्यादा फ्री कि हाथ से भी इसको अगर दबाओ तो ये अंदर चला जा रहा है, और ये एकदम नीचे जाके लग रहा है, खट खट ऐसा आवाज़ कर रहा है। सो भाई लोग, अभी यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये मुझे गैराज से मिला है, ये इनको मैं बीच से कटवा लिया हूँ, क्योंकि ये जो यहाँ का साइज़ है ये मैच नहीं हो रहा था, इसीलिए। सो अभी यहाँ के फिट। सो भाई लोग, आज जो वीडियो कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट डे से, सो अभी आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, चीज़ें लाया हूँ जो कि अपना यहाँ पे लेद से, ये हार्डवेयर के शॉप पे आप लोगों को मिल जाएगी। ये बहुत एकदम बड़ा सा दिख रहा है, और जो मेरे साइकिल पे लगा हुआ था वो मैं दिखाता हूँ। ये जो देखो, ये साइकिल का ये मेन वॉशर था, ये इसके साइज़ का सेम है, बट ये जो डायमीटर है वो बहुत बड़ा है, चौड़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। सो यही फिट करेंगे अभी अच्छी तरीके से। और मैं एक ये लाया हूँ, ये भी सेम उसी साइज़ का है, सो मैं इसको डालने वाला हूँ ऊपर, इन दोनों को डालने वाला हूँ नीचे इन लोगों को, देन इसको अच्छी तरीके से टाइट करने वाला हूँ। सो चलो दिखाते हैं आप लोग आगे। अभी यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैंने ये वाला चीज़ यहाँ पे लगा दिया, ये वाला रहने दिया है यहाँ पर, और बाकी का जो मैंने वॉशर लाया है वो मैंने रिटर्न कर दिया है, क्योंकि इससे ही टाइट हो गया है हैंडल अच्छी तरीके से। और ये देख सकते हो यहाँ पे एक घूमने वाला चीज़ भी बन गया, देखो ऐसे घूम रहा है। सो अभी ये टाइट हो चुका है कम्प्लीट, तो अभी ये देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है आयुष, निकलेंगे एक राइड पे। सो भाई लोग, यहाँ पे चेक कर सकते हो साइकिल को, अभी मैं जस्ट रोड के एक साइड पे रुका हुआ हूँ, सॉकर एक नंबर काम कर रहा है, देख सकते हो। सो भाई लोग, अभी मैं आ चुका हूँ घर, और आज एक गलत सीन हो गया, अभी मैं जस्ट वीडियो एडिट कर रहा था, तो मुझे पता चला कि कैमरे में जितना भी क्लिप रिकॉर्ड हुआ है वो
उसका मतलब ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वीडियो बस रिकॉर्ड हुआ है, ऑडियो मतलब माइक बंद हो गया था और डिस्प्ले में नहीं दिखता है, इसीलिए मैं समझ भी नहीं पाया कि रिकॉर्डिंग मतलब जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। उसका मैं थोड़ा बहुत ही क्लिप साइज से लगाया हूँ वीडियो पे। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो सॉकर एक नंबर काम कर रहा है। आप लोग भी चाहो तो घर पे इजीली सॉकर को चेंज कर सकते हो, बट कुछ चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि मुझे पता नहीं था कि सॉकर का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो निकला हुआ होगा, मुझे लगा था कि सेम साइज़ का आएगा, बट थोड़ा सा बड़ा साइज़ का आ गया, लॉन्ग है जो। तो जो चीज़ वहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत हैंडल बबल हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा सा अलग सा मतलब हैंडल पे फील हो रहा है। तो देखते हैं उसको कुछ अच्छी तरीके से परमानेंट सोल्यूशन करेंगे, अभी तो बस टेम्पररी उसको इस तरीके से फिट किया हूँ जिससे कि साइकिल चलने लायक आसानी से हो जाए, चलने लायक या पिस्टन करने लायक सारा कुछ। और एक मेजर साइकिल में जो चेंज हुआ है वो हो गया कि हैंडल थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर उठ गया, क्योंकि नीचे उतना एक मोटा जो वॉशर टाइप का लगा हुआ है जिससे हैंडल ऊपर उठ गया है बहुत ज़्यादा, तो उससे चलाने में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील आ रहा है। बट मुझे वो जो एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर जो था, बैठने का जो एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के आराम से एकदम मतलब ऐसा लगता था कि एग्रेसिवली चला रहा हूँ, तो वो फील अभी नहीं मिल रहा है। अभी एकदम कंफर्टेबल हो गया है क्योंकि हैंडल थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो अभी कंफर्टेबली बैठ रहा हूँ। तो देखते हैं बाद में अगर कभी कुछ अच्छा चीज़ मिल जाए जिससे कि हैंडल को थोड़ा सा और नीचे मैं ठीक से फिट करूँगा बाद में। आज की वीडियो यही तक था। अगर आप लोग वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, मुझे पता है चैनल का रीच बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है अभी, तो सपोर्ट करना, लाइक एंड शेयर भी कर देना। चलते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।